रेस में कैटरीना कैफ थी और रेस टू में जैकलीन। जब रेस थ्री बनने की खबर आई तो दोनों एक्ट्रेस इस बात को लेकर सोचने लगी कि रेस थ्री में कौन होगा। जब पता चला कि रेस थ्री में सलमान खान होंगे तो दोनों ने ये मान लिया कि वे इस फिल्म को पाने के लिए सलमान के सहारे कोशिश कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने पहले ही फैसला ले लिया था कि वे रेस थ्री में सलमान के साथ कैटरीना कैफ को लेंगे। सलमान भी कैटरीना के नाम पर राजी थे। अचानक टेबल टर्न हुई और कैटरीना की जगह जैकलीन फर्नांडिस ने ले ली, जो कि किक के बाद सलमान के साथ फिल्म करने की फिराक में थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल सलमान खान कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा के साथ एक फिल्म करने जा रहे थे। इस फिल्म में सलमान 14 वर्ष की बेटी के पिता और डांसर बने थे। फिल्म में जैकलीन को ले लिया गया था। ट्यूबलाइट की असफलता के बाद सलमान को लगा कि एक डांसर की भूमिका निभाने की उनकी उम्र नहीं रही। इसी बीच रमेश तौरानी लगातार सलमान को रेस थ्री ऑफर कर रहे थे। सलमान ने इस शर्त पर फिल्म स्वीकार की कि फिल्म का निर्देशन रेमो डिसूजा करेंगे। तौरानी मान गए। सलमान ने रेमो की डांसिंग फिल्म बंद कर दी और उसकी पूरी टीम रेस थ्री में फिट कर दी। इस कारण जैकलीन भी रेस थ्री का हिस्सा बन गई और कैटरीना के हाथ से ये फिल्म निकल गई।